सो कोर्स वीडियोस के साथ में मुझे एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम रही है। ऑलमोस्ट 80-90% वीडियोस एकदम फेक होते हैं, यानी तुम देख के बता सकते हो ये बात। एंड दैट्स वेयर रियल गोस्ट वीडियोस कम्स इन। ये एक ऐसी सीरीज है जहां मैं कुछ अच्छे जेन्युइन गोस्ट केसेस को कवर करता हूँ। एंड बाय जेन्युइन मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये रियल वीडियोस हैं, और ना ही मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, बट ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो एटलीस्ट कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस रेज करें तुम्हारे दिमाग में। और अगर ऐसा नहीं भी है तो एटलीस्ट उनके साथ में कुछ सीरियस बिलीवेबल बैक स्टोरी अटैच्ड हो, या फिर कोई एकदम ही बिजार केस हो। आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा हो कि तुम इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस सीरीज। दिस तो इस बार कोई ड्रामेटिक इंट्रो नहीं दूंगा, बिकॉज आई थिंक बहुत टाइटली स्क्रिप्ट होने लगे थे मेरे सारे वीडियोस, एंड बहुत रोबोटिक सा फील आने लगा था सभी वीडियोस में। इसके पीछे एक रीज़न भी है कि मैं अपने वीडियोस में कुछ रूल्स फॉलो कर रहा था अभी तक, एंड उसी में से एक रूल है 3S रूल, जिसका मतलब है स्ट्रिक्टली स्टिक टू स्क्रिप्ट। यानी मैं अपने वीडियोस में स्क्रिप्ट के अलावा एक भी वर्ड इधर उधर एक्स्ट्रा नहीं बोलता था। तो ये वीडियो एक चेंज ऑफ टोन की तरह काम करेगा, चेंज ऑफ पेस की तरह काम करेगा, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, and hopefully you will get to know me and I will grow in the process too. So ये एक छोटी सी insight दे रहा था। Now let's go back to the video. तो ये जो फर्स्ट केस अभी तुम देखने वाले हो, ये वो केस है जिसके बारे में मुझे बहुत पहले से पता है, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि मुझे इसे कहाँ इंक्लूड करना चाहिए या फिर इस पर कोई सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। बट जब मुझे ये वीडियो मिला जो कि तुम अभी देखने वाले हो थोड़ी देर में, देन आई वॉज श्योर कि मुझे इस केस को यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड इससे पहले कि तुम ये वीडियो देखो, आई विल से वन थिंग, दैट इज नॉट द वीडियो बट जो स्टोरीज इस इंसिडेंट से कनेक्टेड हैं या फिर इसके बाद में सुनने में आई हैं, दोज मेक दिस वीडियो much more terrifying. The video you are watching right now was recorded by a man called Kenichi Murakami. In 2011, जापान में उसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आता है, और ये अर्थक्वेक ट्रिगर करता है उससे भी बड़ी सुनामी को, जो कि तुम वीडियो से ऑलरेडी गेस कर सकते हो कितनी डिजास्ट्रस थी। Within few seconds, the tsunami washed away everything. ये सब जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक था। काफ़ी लोगों ने अपने फ़ोन और कैमराज में अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया था उस टाइम पर। सुनामी के बाद धीरे धीरे ये वीडियो जो लोगों ने रिकॉर्ड किए थे वो सामने आना शुरू हो गए, बट इन सभी वीडियोस में केनिची मुराकामी का ये वीडियो स्टैंड आउट होना शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने एक बहुत अजीब चीज़ इस वीडियो में स्पॉट करी थी। सो हियर इज द थिंग, लोग somehow एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये अजीब सी चीज़ क्या है,
या फिर ये वाइट स्मोक जैसी चीज़ क्या है। और क्योंकि लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ क्या है, लोगों ने इस एंटिटी का नाम रख दिया जापान सुनामी घोस्ट। लोगों में समहाउ ये बिलीव भी डेवलप हो गया कि मे बी इट वॉज स्पिरिट ऑफ समवन हु डाइड इन द सुनामी। लगभग 20,000 लोग इस सुनामी में मिसिंग हो गए थे। कुछ टाइम बाद काफी लोगों के रिमेन्स मिलना शुरू हो गए थे, काफी लोग बच भी गए थे, बट काफी लोग ऐसे भी हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। एंड दिस इज द स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा था। इस सुनामी के बाद में काफी सारे लोगों ने इस एरिया में पैरानॉर्मल और घोस्ट एक्सपीरियंस की कंप्लेन करना शुरू कर दिया था। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नेबर्स को अपने घर पे विजिट करते हुए देखा है, और कई स्टोरीज ऐसी भी हैं जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सुनामी के बाद से ऐसा फील होता है जैसे कि वो पजस्ड हैं, जैसे कि उनके अंदर 2-3 लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ये लोग रेगुलरली एग्जोसिज्म करवाते हैं अपने ऊपर, अपने आप को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए। ऐसी काफी सारी स्टोरीज हैं। जो मोस्ट फेमस स्टोरीज हैं वो है जापान के टैक्सी ड्राइवर्स की। वहाँ पे ऐसे कई टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो ये बताते हैं कि उन्हें ऐसे पैसेंजर्स मिले हैं क्योंकि ऐसे एरियाज में जाने की बात करते थे जो कि सुनामी से मोस्ट इम्पैक्ट हुए थे, क्योंकि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे, वहाँ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन एरियाज में वो पैसेंजर्स जाने की बात करते थे और टैक्सी में बैठते भी थे, पर जब डेस्टिनेशन पे पहुँच के टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा, जब भी पीछे कोई होता ही नहीं था। सो ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। ऐसे ही कुछ केसेस हैं जो कि टैक्सी के डैश कैमरा में भी रिकॉर्ड हुए हैं। सो हेयर आर कपल ऑफ बोनस क्लिप्स फॉर यू। फर्स्ट वीडियो में क्या हो रहा है कि टैक्सी ड्राइवर को ऐसा एक्सपीरियंस होता है, उसे ऐसा फील होता है कि कोई टैक्सी के लिए हाथ दे रहा है, तो वो टैक्सी को रोकता है, डोर ओपन करता है, बट वहाँ पर कोई होता ही नहीं है, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। देन वो घोस्ट जैसा फिगर उसकी टैक्सी में अपीयर हो जाता है, चलते हुए टैक्सी में अपीयर हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर, एंड इसका फेस काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है और डिस्टॉर्टेड है। अब वीडियो फर्स्ट लुक में तो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, बट हम कुछ कह नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो द सोर्स ऑफ द वीडियो। और सिमिलरली सेकेंड वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। टैक्सी ड्राइवर को एक्सपीरियंस होता है कि कोई पैसेंजर है शायद से, टैक्सी रोक के उतर के चेक भी करता है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता। नाउ देखो, आई एब्सोल्युटली एग्री कि तुम्हारे दिमाग में हर वीडियो को लेके कुछ ना कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूर आ रहा होगा, और इसीलिए मैं वो सब बात करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, इट्स नॉट द वीडियोज बट द स्टोरीज एंड द ट्रेजेडी दैट प्रोवाइड्स वेट टू दिस वीडियोज। सो ये था फर्स्ट सेक्शन इस वीडियो का। अब मूव करते हैं सेकेंड सेक्शन पे। रियल प्लाजा एक शॉपिंग मॉल्स की चेन है जिसके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं अमेरिका में और अमेरिका के बाहर भी इंटरनेशनली हुई। एंड अगर तुम इनका फेसबुक पेज चेक करोगे तो यू विल रियलाइज कि इनकी जो ब्रांडिंग का फोकस होता है वो ये प्रोट्रे करने पे होता है कि ये फैमिली फ्रेंडली, किड्स फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। बट पेरू के पुगाल्पा शहर के रियल प्लाजा के एक आउटलेट में समथिंग हैपेंड इन 2016 दैट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे प्रॉमिस। Acompañada de su madre al interior de este conocido centro comercial en Pucallpa cuando recibió una fuerte तो बेसिकली होता क्या है, वैलेंटीना यामलित नाम के एक 8 साल की लड़की अब
अपने पेरेंट्स के साथ में इस मॉल में जाती है संडे इवनिंग को स्पेंड करने के लिए। सो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मॉल्स में अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, टॉय जोन, प्ले जोन, पता नहीं कितने अलग अलग जोन्स होते हैं स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, जहाँ पे वो अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। वैलेंटीना समहाउ एक सेक्शन में चली जाती है जिसको कहते हैं हॉल ऑफ मिरर। अब जिनको नहीं पता है हॉल ऑफ मिरर क्या होता है, इस सेक्शन में अलग अलग मिरर्स रखे होते हैं जो कि तुम्हारे रिफ्लेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट फनी वेज में तुमको दिखाते हैं। ये बात आई गेस वैलेंटीना को भी पता होगी, बट वॉट वैलेंटीना डिडेंट नो वॉज कि उस सेक्शन में एक लाइव करंट का वायर एकदम एक्सपोज पड़ा हुआ था किड्स सेक्शन में। यू हर्ड मी राइट, किड सेक्शन में एक लाइव करंट का वायर वहाँ पे एक्सपोज पड़ा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वैलेंटीना ट्रिप करके उसी वायर पे गिर जाती है, एंड इसके आगे तुम गेस कर सकते हो क्या हुआ होगा। शी वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल बट आफ्टर 3 long hours ऑफ स्ट्रगल शी पास्ड अवे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में, इस एक्सीडेंट को हुए कुछ साल हो चुका है, बट रिसेंटली इस मॉल की एक फुटेज है जो कि काफी ज्यादा फेमस होना शुरू हो गई है। अब ये फुटेज क्योंकि रात की है तो रात में स्टोर और मॉल दोनों ही खाली होता है, बट इस वीडियो में ऐसा नहीं है। सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट एंड उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। जो क्लिप तुमने अभी देखी है, इस क्लिप को लोग समहाउ कनेक्ट कर रहे हैं वैलेंटीना वाले इंसिडेंट से, क्योंकि वैलेंटीना का एक्सीडेंट हुआ था, ऑब्वियसली इट वॉज एन अनटाइमली डेथ। और आई थिंक हर कल्चर में ये कहीं ना कहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं ये बिलीफ है कि जितने भी पैरानॉर्मल एंटिटी होते हैं, गोस्ट होते हैं, स्पिरिट होते हैं, ये किसी ना किसी वे में अनटाइमली डेथ का ही रिजल्ट होता है। इसीलिए इस मॉल में जितनी भी अजीब चीजें हो रही हैं, लोग इसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट जो इस मॉल में हुआ था। बट पर्सनली मेरे कुछ डिफरेंट ओपिनियंस इस वीडियो को लेके। फर्स्टली आई थिंक इस वीडियो को डेफिनेटली स्पीड अप करा हुआ है जो कि तुम खुद भी देख सकते हो। सेकेंडली आई थिंक ये जेन्युइनली कोई लड़की है इस मॉल में, जो कि अगर सच है तो ये अपने आप में एक डिफरेंट कंसर्न बन जाता है। और लास्टली वी डोंट इवन नो कि ये वीडियो इस मॉल का है भी या नहीं। सो द ओनली थिंग जो कि इस वीडियो को वेट प्रोवाइड करती है वो है वैलेंटीना की स्टोरी, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैंने इस वीडियो को यहाँ इंक्लूड किया था। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार ऐसे बिहेव करते हैं खेलते वक्त अपने टॉयज़ के साथ कि जैसे वो उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि उनमें कोई जान है, जैसे कि वो कोई रियल कैरेक्टर्स हैं। तो अब जो तुम देखने वाले हो वो एक इमेज है जो कि एक पेरेंट ने क्लिक करी थी जब उसकी बेटी अपने रूम में खेल रही थी। फोटो को खींचने से पहले उनको ऐसा लगता था कि उनकी बेटी खुद से बात करती है खेलते वक्त, या फिर उसने अपने दिमाग में कोई इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएट करा हुआ है जिससे वो बात करती है खेलते खेलते। सो शुरू में तो इन पेरेंट्स ने इस बात को बड़े कैजुअली लिया, उनने इस पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। बट एक दिन उनको ऐसे दिमाग में थॉट आया कि जब उनकी बेटी उसके रूम में खेल रही थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक फोटो क्लिक करी जाए उसके बिना बताए। बट इस फोटो में कुछ बहुत ही अजीब कैप्चर हुआ जो कि आई थिंक किसी भी पेरेंट के लिए इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा। सो हियर इज द फोटो जो कि उन्होंने खींचा था। फोटो में एक और लड़की कैप्चर हुई है उनकी बेटी के साथ में, एंड अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था जिस वक्त वो लोग ये फोटो खींच रहे थे, ऑब्वियसली उनकी बेटी के अलावा। अब मैं डायरेक्टली ये तो नहीं बोलूंगा कि ये गोस्ट था, क्योंकि पॉसिबल थ्योरीज ये हैं कि हो सकता है ये जेन्युइनली कोई लड़की है, पेरेंट्स ने ये स्टोरी फेक करी है। बट अगेन एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है कि ये एकदम रियल हो। और जब भी बच्चों के अराउंड कोई स्टोरी रिवॉल्व करती है इट्स ऑलवेज हार्ड टू डाइजेस्ट, क्योंकि फर्स्ट थॉट हमारा ये होता है कि यार आखिर बच्चों के साथ कोई ऐसा कैसे कुछ फेक कर देगा, क्योंकि उनको मिसडायरेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है अगर कुछ ऐसा करना ही है तो। ऑल्सो बच्चों के जो लॉजिक होते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं एक एडल्ट से इस टाइम पे, सो इट्स वेरी हार्ड कि उनके साथ में कोई चीज़ फेक करी जाए। और इसीलिए जब भी मुझे इनसे रिलेटेड कोई पैरानॉर्मल स्टोरी मिलती है तो मुझे उन्हें यहाँ इंक्लूड करना हमेशा वर्थ इट लगता है, जस्ट लाइक अवर नेक्स्ट सेगमेंट।
सो इस वीडियो की पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है इंस्टाग्राम से। On 23rd Feb 2024, a girl with the username charity.lewis उसके पेज पर एक रील पोस्ट करती है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रही है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसके पास में एक टॉय कैमरा है। टॉय कैमरा से उसकी बहन काफी सारे वीडियोस रिकॉर्ड करती है क्योंकि उसकी बहन को व्लॉगिंग करने का काफी शौक है। अब चैरिटी काफी टाइम से उसकी फैमिली से दूर रहती थी, तो फाइनली जब वो घर वापस आई इतना टाइम बाद, तो वो रैंडमली उस टॉय कैमरा को चेक करती है टू फाइंड आउट कि उसकी बहन ने इतना टाइम में क्या मेमोरीज कैप्चर की हैं। बट इंस्टेड शी फाउंड समथिंग वेरी कंसर्निंग। We were messing around with my little sister's camera and we just found something like it's weird. Okay, I'm just gonna show it to you. Hey guys, today I'm going to show you my scary toilet collection that I just got today. I saw my friend the other day and we went on a walk and we also got ice cream that day and I'm having a lot of fun. वीडियो में तुमने देख ही लिया होगा कि शुरू में तो उसकी बहन काफ़ी नॉर्मली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है, कैजुअली कैमरे से बात भी कर रही है, अपने थॉट्स शेयर कर रही है, एंड देर इज़ नथिंग वियर्ड इन दैट। बट देन उसकी बहन ब्लॉगिंग करते करते अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, वो एक ही पोजिशन में फ्रीज हो जाती है। बट देर इज़ नो साइन इन द वीडियो कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। ऐसा भी लग रहा है उसको देख कर जैसे कि वो किसी चीज़ से परेशान है या फिर रूम के बाहर कोई ऐसी चीज़ है या साउंड है जिससे वो ट्रिगर हो रही है। पर इस मोमेंट तक ना तो कोई ऑडियो सुनाई देती है और ना ही वीडियो में कोई सस्पिशियस चीज़ दिखाई देती है। इसके थोड़ी देर बाद उसकी बहन बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट करे रूम से बाहर चली जाती है। बट दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज इसके थोड़ी देर बाद कुछ और भी स्पॉट होता है वीडियो में। सो लेट्स गो बैक टू द वीडियो अगेन। अब ये पूरा वीडियो कुछ पैरानॉर्मल या फिर गोस्ट एनकाउंटर ही है, वी डोंट नो। बट हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरे कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये है कि हो सकता है कि ये जेन्युइनली कोई डेंजरस सिचुएशन थी, यहाँ पे घर में कोई स्ट्रेंजर प्रेजेंट था और इस लड़की को नहीं पता था। दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये वीडियो एकदम फेक है, विच इज़ पॉसिबल, बिकॉज इस वीडियो का जो डेट और टाइम है वो मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ आ जाएगा अगर तुम टॉय कैमरा रिव्यू सर्च करोगे यूट्यूब पे। बट लास्ट पॉसिबिलिटीज़ कि शायद ये एक जेन्युइन गोस्ट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जो कि समहाउ इस टॉय कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, बट हमें इतनी आदत हो गई है वो फेक गोस्ट वीडियोज देखने की दैट वी सिंपली ओवरलुक द रियल गोस्ट वीडियोज़।